तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक के स्टोरी में एक साथ में एक से ज़्यादा फोटो को कैसे लगा सकते हैं म्यूजिक के साथ। तो दोस्तों, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फेसबुक में एक साथ में एक से ज़्यादा फ़ोटो लगाने के लिए यहाँ से मैं अपने फेसबुक को ओपन कर लिया हूँ, और यहाँ से ओपन करने के बाद क्रिएट स्टोरी में क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद पहले आपको यहाँ से एक म्यूजिक सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं म्यूजिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप कोई भी म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप अपना मनपसंद म्यूजिक यहाँ से सर्च म्यूजिक में यहाँ से सर्च करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से फ़िलहाल मैं एक म्यूजिक यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं ऐसा म्यूजिक है। तो म्यूजिक का जो ये स्टाइल है, इसका डिज़ाइन है, इसको चेंज कर देना है यहाँ से कुछ इस तरह का। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद आपको आएगा यहाँ से बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड एक रख सकते हैं, या तो फिर यहाँ से गलेरी से कोई भी एक बैकग्राउंड यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक गलेरी से एक बैकग्राउंड ले ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ से स्वाइप अप करना है। स्वाइप अप करने के बाद आपको इस इमेज वाला आइकन में क्लिक करना है, और यहाँ से जो जो फ़ोटो आपको लगाना है एक एक करके यहाँ से ले लेना है। तो चलिए मैं फ़ोटो यहाँ से ले ले रहा हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं ये फ़ोटो मैंने ले लिया। अब इसका स्टाइल को चेंज करने के लिए इस पे फ़ोटो पे टैप करना है। तो यहाँ से जितना बार आप टैप करेंगे इसमें, तो आपको अलग अलग स्टाइल देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो भी पसंद है वो आपको लगा लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से फटाफट में फ़ोटो को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट करके, और इसको सही से एडजस्ट कर लेना है आपको। चलिए मैं जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ से हमने सारा फ़ोटो को जो है सो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और किस इस तरह का बना दिया। तो आप आराम से इसको बना लेना है, अच्छा से सेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ से कुछ इसमें लिख भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, अपना नाम वगैरह कुछ भी आप जो भी मनाए यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद शेयर टू स्टोरी में आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद जो आपका स्टोरी जो है सो पब्लिश हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो मेरा स्टोरी है वो पब्लिश हो रहा है। तो आपको भी कुछ इस तरह से साथ में आप कई सारे फ़ोटो को अपने स्टोरी में लगा सकते हैं, और साथ में गाना भी लगा सकते हैं।